Assalamualaikum, welcome to my sports YouTube channel. मैं खुशामदीद कहते हैं, मैं हूं फराज। मेरे साथ मौजूद नहीं है साउथ, जो कि पर्सनल रीजंस की वजह से आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई इनिंग ब्रेक हो चुकी है। पाकिस्तान को टारगेट मिला है 256 रन का। बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास आई है। ग्रेट बॉलिंग बाय नसीम शाह, उसामा मीर, ड्रीम डेब्यू किया उसामा मीर ने। पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। अगर हम बात करें हारिस रऊफ, आज पाकिस्तान की तरफ से थोड़े से एक्सपेंसिव नजर आए। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है मैच जीतने के लिए। इस पर बात करेंगे, उससे पहले आप क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे मुझे पोस्ट करें नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ने पहले टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया। जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया तो पहले ही ओवर में डेविन कॉनवे को पहली बॉल पे नसीम शाह ने बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान की अगर आज फील्डिंग की बात करूं, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग थी। डिसीजन बाबर आजम की कैप्टनसी अप टू द मार्क बिल्कुल भी नहीं थी, अच्छी कैप्टनसी की। अगर हम न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो न्यूजीलैंड के फिन एलन अग्रेसिव बैट्समैन 27 बॉलों पर 29 रन बनाए। डेविन कॉनवे को पहली बॉल पे आउट कर दिया था जीरो पे। बात करें केन विलियमसन की, विकेट उसामा मीर ने लिए कि जो कि उनकी ड्रीम विकेट थी और ड्रीम डेब्यू भी उनका रहा। उन्होंने 39 बॉलों पर 26 बनाए। फिर आए डैरिल मिचेल और टॉम लेथम के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, 56 रन की पार्टनरशिप लगी, उसको ब्रेक लगाया मोहम्मद नवाज ने। डैरिल मिचेल 36-42 बना के टॉम लेथम आउट हुए। इस तरीके से इनका बैटिंग लाइनअप था। अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, एक टाइम पे टारगेट ऐसा लग रहा था 230 जाएगा, 230-235 से ऊपर नहीं जा रहा, पर वहां पर आके माइकल ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और स्पीड वाली पार्टनरशिप थी। वहां पे हारिस रऊफ की बहुत धुलाई की उन्होंने, इस वजह से माइकल ब्रेसवेल 42 बॉलों पे 43 रन बनाकर आउट हुए, जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे। नसीम शाह ने उन्हें बोल्ड किया, बेहतरीन बॉलिंग करी नसीम शाह ने। इस तरीके से नसीम शाह एक टाइम पे हैट्रिक चांस पे भी आ गए थे। अगर हम बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की तो नसीम शाह हीरो थे। नसीम शाह ने 10 ओवर में 57 रन देके 5 खिलाड़ी को आउट किया, सेकेंड टाइम 5 विकेट का लैंडमार्क कंप्लीट कर चुके हैं। हारिस रऊफ की बात करें तो आज एक्सपेंसिव थे, 7.5 रन की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए। 8 ओवर में 54 रन दिए। मोहम्मद वसीम ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छे कंट्रोल में नजर आ रहे थे, जो कि उनको एक ओवर में रन्स पड़े, फिर भी उन्होंने 8 ओवर में 43 रन दिए। उसामा मीर की बात करें अगर हम, तो ड्रीम डेब्यू था उनका, 10 ओवर में 43 रन देके 2 खिलाड़ी को आउट किया, जो कि उन्होंने केन विलियमसन को बोल्ड किया। मुझे आदिल रशीद के वो बोल्ड याद आ गया जो उन्होंने विराट कोहली को मारा था, बहुत ही आउट क्लास बॉल कर रहे थे। मोहम्मद नवाज ने एक ली। इस तरीके से पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की प्लेइंग 11, जो हमने आपको प्लेइंग 11 बताई थी वही सेम प्लेइंग 11 है। शान मसूद का क्या मसला बना है, क्या वजह बनी है कि वो प्लेइंग 11 में नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच खत्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें नसीम शाह की तो बहुत ही आउट क्लास बॉलिंग की। अगर हम बात करें मीर हमजा की, मीर हमजा ने अपने आप को प्रूव किया कि अगर आप यंगस्टर्स को चांस देंगे तो अच्छी परफॉर्मेंसेस करेंगे। अब पाकिस्तान की जो बैटिंग में पूरा दारो मदार होगा वो होगा टॉप 3 पे, बाबर आजम, इमामुल हक, फखर जमान। फखर जमान को चाहिए कि एग्रेशन दिखाएं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलें, जो कि पाकिस्तान को बहुत हेल्प करेगी। अगर हम बात करें 256 रन को हमें चेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो कि हमें कर लेना चाहिए इसी इनिंग ब्रेक के भी बात करेंगे। अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह इसको अच्छे से फिनिश कर लेता है तो हम आपके साथ अगली वीडियो में जब बैठेंगे तो शान मसूद का क्या मामला बना है। कल तक और मैच से एक घंटे पहले तक वो प्लेइंग 11 में थे, क्या मामला बना कि वो क्यों प्लेइंग 11 में नहीं है, इसमें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। चलें हम आपसे चाहेंगे इजाजत, क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक कर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अल्लाह हाफिज़।